तो निशान तो जाके भैया जिंदाबाद कोई ना बोली। रोल बिहार हमें एक तरह से कहे तो अब सियासी पारा लगातार चढ़ने लगा है। अब चंद ही दिन शेष बचे हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर होने वाले मतदान को लेकर के। भोजपुर जिले के सातों विधानसभा क्षेत्रों में 28 तारीख को वोट डाले जाएंगे और 10 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। वैसे भोजपुर जिले के सातों विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो चारों तरफ जो राजनीतिक पारा है वो धीरे धीरे उबाल लेने लगा है। इस वक्त हम मौजूद हैं भोजपुर जिले के तरारी विधानसभा क्षेत्र के एक चकिया गाँव में। सुदूरवर्ती इलाका है, भोजपुर जिले से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर ये गांव है और वहां मौजूद है अपनी टीम के साथ। और हमारे साथ मौजूद है निर्दलीय प्रत्याशी तरारी से 4 बार विधायक रह चुके सुनील पांडे जी, उनके साथ मौजूद है, उनके साथ बातचीत करेंगे और जानेंगे विकास का हाल। विधायक जी, पिछले 4 दफ़ा आपने प्रतिनिधित्व किया, भाजपा से लड़ने की चर्चा थी, लोजपा से लड़ने की चर्चा थी, लेकिन फिर क्या मन में आया कि एकाएक निर्दलीय चुनाव में? हमारी जनता ने कहा कि हम निर्दलीय चुनाव ही ज़्यादा पसंद करेंगे। सभी पार्टी में दलदल है और सबसे अच्छा निर्दल है। जब जनता को वोट देना है तो जनता तय करेगी, तो इसलिए हमने तय किया जनता के डिमांड पर कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और विकास के लिए चुनाव लड़ेंगे। और जो भी हमारे विकास के रास्ते पर हमसे भी 2 कदम आगे चलेगा हम उसके साथ रहेंगे। विकास के क्या पैमाने हैं, पहले वाला विकास है या फिर सुनील पांडे का ही नाम है, या फिर लड़ाई कौन लड़ रहा है, आप लड़ रहे हैं, जनता लड़ रही है, या फिर विकास लड़ रहा है? हम कहाँ लड़ रहे हैं, इस बार का चुनाव यहाँ की जनता लड़ रही है। हम तो सिर्फ जनसंपर्क में लोगों से मिल रहे हैं और जनता ने मन बना लिया है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है एक तरफा, सिर्फ और सिर्फ सुनील पांडे। क्या लगता है, तरारी पिछड़ा हुआ इलाका नहीं है, कई उद्योग धंधे नहीं है, कृषि आधारित इलाका है, किसानों की? 5 बरस की अवधि जो बीत गई, आज इस सड़क पर हम लोग खड़े हैं, इन गाँव के लोगों से पूछे कि क्या दुर्दशा थी इन गाँवों में आने जाने की, हमने सड़कें बनवाई, एक भी ऐसा गाँव नहीं है जहाँ हमने सड़कें नहीं बनवाई। और अब हमारा फोकस मुख्य रूप से है बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले, इंडस्ट्रियल बेल्ट की हमने मांग किया है और उसको कराएंगे। जब हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ लगेगी तब तो हमारे यहाँ के लोगों को यही रोजगार मिलेगा, इसलिए तरक्की के रास्ते पर अब जनता चलना चाहती है, अब विकसित नहीं होना। मतलब कहीं कोई लड़ाई नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ नाम सुनील पांडे हैं, सिर्फ ओनली वन। विकास के पैमाने क्या होंगे, उद्योग धंधों के अलावा पढ़ाई लिखाई, ITI, BEd कॉलेज, इंस्टीट्यूशनल कॉलेज, ये सब सारे अब प्रखंड स्तर पर हमारे बनेंगे। हमारे बच्चों को अब आरा पटना जाने की जरूरत नहीं होगी, पंचायत से प्लस टू करेंगे, प्रखंड पर ITI, BEd, इंस्टीट्यूशनल कॉलेज होंगे, यहीं पर पढ़ाई करेंगे और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। किसानों की कई समस्याएं हैं, अगर आप सदन में जाते हैं इस बार 5वीं बार, तो किसानों की मुख्य मांगे क्या होगी? किसानों की फसल का उचित मूल्य मिले और उसके लिए हमारी भरपूर कोशिश रहेगी कि हम अपने किसानों को और उन्नत किसान बनाएं ताकि उनकी आमदनी। इस बार आप विकास के नाम पर ही लड़ रहे हैं? ओनली विकास। तरारी एक इतिहास बनेगा 243 विधानसभा बिहार में? निश्चित तौर पे, जैसे झारखंड में निर्दलीय उम्मीदवार को जनता ने देकर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार को हराया था, तो इस बार उसका भी रिकॉर्ड यहाँ पर है। आप चुनाव विधायक बन जाने के बाद किसके साथ जाएंगे, ये जनता तय करेगी, जनता के बीच में हम पूछेंगे, जनता जो राय करेगी उसके साथ। तो बिल्कुल बिल्कुल जनता के साथ जाएंगे सुनील पांडे। तो अब आने वाले 10 नवंबर को ये तय हो पाएगा कि आखिर तरारी की जो जनता है वो अपने सपनों का जनप्रतिनिधि किसे बनाकर बिहार विधानसभा में भेजती है ताकि वो उनके सपनों को साकार कर सके। आरा से LBT के लिए चंदन कुमार। कट कर दे लहका बीच में ना कभी। अच्छा ठीक है, ओके ओके।